कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है, इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। तो लड़ने का समय है। और जो अम्बेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है।